13.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स, बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द डिजिट 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बॉल हैं, फिर गिनती लिखी हुई है। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, एक बॉल निकाली फिर वापस डाल दी, फिर एक बॉल निकाली फिर डाल दी, फिर एक बॉल निकाली तीन हो गई, फिर वापस डाल दी और फिर चार, तो चार बॉल निकालनी है, 4 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, अंदर नंबर ऑफ बॉल सेम रहेंगी। तुमने पहले एक बॉल निकाली, नंबर देखा उस पर 1 आया, ठीक है, तुमने फिर वो वापस डाल दी, तो अब वापस कितनी है, 10 बॉल है अंदर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0, नन इज मार्क्ड विद 0, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नन इज मार्क्ड विद 0, तो हम 0 को सक्सेस मान ले, ठीक है, पहले हम सक्सेस डिफाइन करते हैं, सक्सेस मान लिया गेटिंग ए बॉल मार्क्ड 0, एक ऐसी बॉल को ऑप्टेन करना जिस पे 0 मार्क है, वो हमारी क्या होगी, सक्सेस होगी। तो इन्होंने कहा नन इज मार्क्ड विद 0, यानी कि हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, एक बार भी सक्सेस ना मिले, एक बार भी ऐसी बॉल ना मिले जिस पे 0 आए, तो हमें क्या फाइंड करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है ना। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एन सी 0, पी पावर 0 और क्यू पावर एन माइनस 0, ये तो बनेगा। अब सक्सेस माना था गेटिंग ए बॉल मार्क 0, तो सक्सेस की प्रॉबर्टी देखते हैं, पहले देखते हैं पी क्या आएगा हमारे पास, सक्सेस की प्रॉबर्टी, भाई एक ही बॉल था जिस पे मार्क 0 है तो वो है 1, एक बॉल, और टोटल बॉल कितनी है 10, तो हर बार सक्सेस की प्रॉबर्टी कितनी रहेगी 1/10, क्योंकि बॉल निकालोगे और वापस डाल दोगे, है ना। फेलियर की प्रॉबर्टी कितनी हो जाएगी, 9/10, है ना। अब ये तो सक्सेस की प्रॉबर्टी हो गई, फेलियर की प्रॉबर्टी, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4, क्योंकि 4 बॉल निकाली जा रही है, तो एन कितना हो गया हमारे पास, 4। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए 4c0 पी पावर 0 और क्यू की पावर 4 आ गया, 4c0 कितना होता 1, पी की पावर 0 कितना जगह 1 और क्यू कितना है 9/10, तो 9/10 की पावर 4 हो गया, तो आंसर आ गया 9/10 की पावर। देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, तो हम पक्का, क्योंकि गेटिंग ए बॉल मार्क 0 ये हमने सक्सेस माना, और 0 सक्सेस, इस 0 इज 0 में कंफ्यूजन मत करना, ये वो 0 है जो बॉल पे लिखा हुआ है, और यहाँ 0 सक्सेस मतलब एक बार भी वो बॉल ना मिले हमें, जब एक बार भी वो बॉल नहीं मिलेगी तो सक्सेस की प्रॉबलिटी क्या हो जाएगी, पावर कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में। हम इसे ना अलग तरीके से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, सक्सेस मान लेते गेटिंग ए बॉल मार्क्ड नॉन जीरो, जिस पे 0 ना मार्क हो उसे हम सक्सेस मान के चल लेते, तो उस हिसाब से करते, तो जैसे भी तुम चाहोगे ना उसी के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करोगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज, तुमने सक्सेस किसको माना है, क्योंकि जिसको सक्सेस माना ना उसी के हिसाब से फिर प्रायोरिटी लिखी जाएगी, ठीक है।